थोड़ा प्लान्स बताइए। सबसे पहले तो मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ हनीहन को, यहाँ 10th स्टोर कंप्लीट किया है एंड मेनी मोर टू कम। एंड मुझे लगता है कि मुझे ज़्यादा डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है, मैं उस फेज में हूँ जहाँ मुझे ऐसी जगह आने की ज़रूरत थी एंड मैंने हनीहन से शुरुआत कर दी है। अब मैं भी अपने बेबी के लिए शॉपिंग करने वाली हूँ। So this is the best place and I'm happy कि ये store Bombay में आया है। So Bombay में आके मेरे पास एक ऐसा brand है जिस पे मैं trust कर सकती हूँ, जहाँ मैं shopping कर सकती हूँ, तो इसलिए मैं आ गई हूँ आज shopping करने के लिए। Affordability के हिसाब से आपने देखा है कि हर चीज़ आपने बहुत गौर से देखी, तो आपको लग रहा है कि affordability है या डेफिनेटली जो चीज़ें मैंने यहाँ पे बहुत सारी कुछ ऐसी चीज़ें देखी हैं कि आप जब इन्वेस्टमेंट करते हैं बच्चे के लिए तो एक लंबे समय के लिए करते हैं, आप पैसा डालेंगे अच्छी चीज़ में डालते हैं। सो जो मैंने आज यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी जो आप एक 3 साल के बच्चे से लेके 10 साल के बच्चे तक आप यूज़ कर सकते हो, जैसे मैंने फोल्डेबल बेड देखे हैं, ब्यूटीफुल चेयर देखी, कम्फर्टेबल फॉर मॉम फॉर फीडिंग, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि एक स्टाइल के साथ साथ आपको कंफर्ट भी दे रही है एंड आई एम रियली लाइकिंग बिकॉज आजकल सबको फैशन भी मेंटेन करना है और कंफर्ट भी, सो आई एम लिटरली लाइकिंग इट एवरीथिंग ऑलमोस्ट। मैम आप क्या कहना चाहेंगे, आप इस हनीहनी का हिस्सा है, फ्रेंचाइजी है, क्या कहेंगे? एक्चुअली मेरा भी 7 मंथ का बेबी है, सो मैंने बहुत सारे स्टोर एक्सप्लोर किए थे, कुछ कुछ के प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ किए बट इट्स नॉट वर्थ इट, सो दैट्स वाई मैंने हनी के प्रोडक्ट यूज़ किए हैं, तो मुझे बहुत अच्छे लगे मेरे बेबी के कंफर्टेबल के लिए, सो दैट्स वाई आई एम द मतलब मुझे एक अच्छा मिला कि हनीहनी मुझे प्रोडक्ट्स अच्छे प्रोवाइड्स कर रहे हैं एंड वो भी मैं अपने मतलब कम्फर्ट जोन से वो प्रोडक्ट यूज़ कर सकती हूँ अपने बेबी के लिए। सो ऐसा बहुत सारे मॉम्स भी चाहती है कि वो भी कम्फर्टली अपने बेबी को प्रोडक्ट यूज़ करवा सके, इसके लिए मैंने हनीहनी से टाइप किया। मैम आ जाइए, चार चंद लगा दी है, क्या लग रहा है इससे? बहुत डेफिनेटली बिकॉज वो भी अभी उन्होंने भी अनाउंसमेंट किया है कि शी इज प्रेगनेंट, सो मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो भी एक्सप्लोर कर रहे हैं हमारे स्टोर को। कैसी फीलिंग है आपको? सीरियस सी बात है, 7 क्लाउड्स पे रहते हैं। यस, इट्स अ ब्यूटीफुल फीलिंग एंड दैट इज व्हाई जब आप ऐसे प्रोडक्ट के साथ जुड़ते हो आप और ज़्यादा रिलेट करते हो। सो फॉर मी इट्स वेरी मच रिलेटेबल एंड एक एक्साइटमेंट लेवल अलग होता है एंड एज आई सेड यू नेवर कॉम्प्रोमाइज फॉर योर बेबी, सो वेरी वेरी हैप्पी एंड एंजॉयिंग दिस मोमेंट, एंजॉयिंग दिस फेज, हम दोनों के लिए बहुत अच्छी खुशी की बात है। आपने एक नया ब्रांड शुरू किया है, आपको एक बहुत ही आपका भी फेज बहुत प्यारा चल रहा है बेबी के साथ, सो आई एम वेरी हैप्पी एंड आई रियली वांट टू कंग्रेचुलेट हनीहनी and many many more stores to come. Wish you all the best. आपने मैम को ही क्यों चुना इस ब्रांड के लिए, ऐसा कुछ थॉट कलर आपके मन में आया? नहीं देखिए, वन यूविका मैम क्यों, शी इज अ वेल नोन एक्ट्रेस, ओके, एंड उनका जो हमारे साथ जो साझेदारी होगा दैट विल डेफिनेटली हेल्प अस अ ब्रांड हमें आगे बढ़ने के लिए और मुंबई के मार्केट में एंटायर लॉट ऑफ पीपल नो हर एंटायर पैन इंडिया, शी हैज डन साउथ फिल्म्स आल्सो right and I am sure this moment will definitely help us as a brand also. This and was a surprise for them, they didn't know. yesterday evening. Yes, this actually is a surprise for us. I we knew thought it was a gift from my side because I knew I'm gonna do this. Thank you very much ma'am. And I'm sure jab madam explore karege then the moment she came, you know, she felt like oh this is actually right thing what is happening, जो हमारे स्टोर्स में आएंगे देन प्रोडक्ट्स देखेंगे व्हिच इज यूजफुल फॉर नेक्स्ट कमिंग मंथ्स। अलग अलग ब्रांड्स का बता चाहेंगे आप लोग क्या क्या रखते हैं या हाँ देखिए ये हमारा 10th स्टोर है इन महाराष्ट्र, दिस इज आवर 2nd स्टोर, अभी एज ऑफ नाउ वी आर अवेलेबल अक्रॉस इंडिया इन ऑल द मेट्रो सिटीज, लाइक वी आर अवेलेबल इन हैदराबाद, आवर स्टोर्स आर देयर इन पुणे, बैंगलोर, अहमदाबाद, जयपुर, गुड़गांव एंड नोएडा, एंड सून इन द नेक्स्ट कमिंग मंथ्स और ईयर्स विल बी यू नो अवेलेबल अक्रॉस टायर 2 सिटीज ऑल्सो, एंड हमारा एक ही है, सो एफोर्डेबल प्रोडक्ट राइट यू नो प्राइस पॉइंट पे के रेंज पे, सेकेंड बेबी जब आता है इट्स अ वेरी इमोशनल पीरियड, सो कम्फर्ट इज द सेकेंड बिगेस्ट यू नो थिंग विच एज अ कंपनी वी लुक आउट फॉर,
थर्ड इज सेफ्टी विच यू नो एवरी पेरेंट वॉन्ट जो इन्फेंट इसके साथ साथ डिजाइंस फीचर्स सो आपको जो एक मिडिल क्लास या अपर क्लास पेरेंट जो भी एक्सपेक्ट करता है कि मेरे को प्राइसिंग भी चाहिए फीचर्स भी चाहिए सेफ्टी भी चाहिए एंड कम्फर्ट भी चाहिए ये सारा चीज एज अ हनी हनी वी प्रोवाइड तो हमारे पास बेबी कॉट्स वेराइटीज ऑफ कॉट्स है बेबी यू नो ट्रैवल गियर सेगमेंट में स्ट्रॉलर्स है एंड विल बी इंट्रोड्यूस इन लॉट ऑफ अदर प्रोडक्ट्स फॉर पेरेंट्स व्हिच आर यूजफुल फॉर बेबीज हैप्पी बहुत ज्यादा खुशी टच गॉड हैज बीन काइंड एंड वी आर ग्रेटफुल टू गॉड एंड वी आर एंजॉयिंग एवरी मोमेंट ऑफ दिस पीरियड ऑफ टाइम Thank you very much. Thank you.